तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे गाजर डिलाइट। इसे आप गाजर की जेली भी बोल सकते हैं। गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, एक बार इसे ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गाजर, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, आप आरा रोट भी ले सकते हैं, गरी का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, 4 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 टीस्पून देसी घी शाइनिंग के लिए। गाजर को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम ऊपर से और नीचे से कट कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको छील के छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेंगे। ये फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। ये देखिए, हमने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना रहना चाहिए कि गाजर अच्छे से डूब जाए उसमें। टोटल हमें यहाँ 2.5 कप लगा है। ये देखिए, पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अब इसे हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। 5 मिनट बाद हमने देखा ये गाजर बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है। एक बार हम इसे चेक करेंगे। ये अच्छे से हो गई है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम एक कटोरी को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, जिसमें हमें ये जेली को सेट करना है। आप किसी थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए, गाजर बॉयल हो गई है और थोड़ी ठंडी भी हो गई है। ये इजली हाथों से टूट जा रही है और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब हमने लिया है एक मिक्सी का जार, उसमें सभी गाजर को हम डाल देंगे और इसी टाइम हमें चीनी भी डालना है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, नहीं तो 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। इसका ऐसे फाइन पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए कितना स्मूदी लग रहा है ये। अब चलिए हम बना लेते हैं वो कॉर्नफ्लोर की स्लरी। हमने वही पानी यूज़ किया है जिसमें गाजर बॉयल हुई थी, उसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टीस्पून और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन, उसमें हम अपने सारे पेस्ट को डालेंगे। अभी हमें गैस पर नहीं रखना है क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद वो तुरंत गाढ़ा होने लगता है। हम इसी टाइम इस पर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मिक्स करके डालना है और अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको अब हमने गैस पे रख दिया है, लो टू मीडियम आंच पे इसे पकाना है और चलाते हुए। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी। इसे मिक्स करते हुए हम धीमी आंच पे पकाएंगे। ये धीमे धीमे पकते रहेगा और इसका कलर चेंज होता रहेगा। 5 से 7 मिनट पकने के बाद कुछ इस तरह हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, जिससे और शाइनिंग आ जाए। घी ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, पर इससे शाइनिंग भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। इसको हम इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने ऑयल से ग्रीस किया था।
सब कटोरी में रखने के बाद थोड़ा सा बच गया था तो उसे हमने प्लेट में सेट कर दिया और इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आप चाहे तो पूरी रात भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा सेट हो गया है। हम इसे निकाल के आपको दिखाते हैं। आप पहले साइड से एकदम हल्के हाथों से ऐसे थोड़ा सा उसको ढीला कर लीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा ऐसे पलट के हल्का सा डैप करके, ये इजिली निकल जाता है। आप ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा कैरेट डिलाइट। इसे और प्यारा बनाने के लिए हम कोकोनट से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये बहुत सॉफ्ट और जेली टाइप रहता है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से सजा भी सकते हैं। ये देखिए जो हमने प्लेट में सेट किया था उसे हमने ऐसे त्रिकोण पीस में कट कर लिया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हम इसे कट करके भी दिखाते हैं ये कितना सॉफ्ट और टेस्टी बना है। वीडियो देखने का शुक्रिया।